हमारे CRPF के भी जवान हैं जो दो दिनों से यहाँ पे कैंप करके बैठे हुए हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट की भी पुलिस जो है यहाँ पे दो थानों से थाना अध्यक्ष वगैरह हैं, महिला थाना की थाना अध्यक्ष हैं और दूसरे थाने के भी थाना अध्यक्ष, और हमारे पुलिस बल भी एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे हैं, और हम लोग यहाँ सुबह से लेके बिल्कुल यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। कोई भी बड़ी छोटी किसी भी प्रकार की घटना को यहाँ पे कोई भी नहीं करने देने का यहाँ पे निश्चय है, प्रयास करता है तो हाँ बिल्कुल सख्ती की जाएगी। हालांकि अब तक ऐसा कुछ प्रयास हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होने की उम्मीद है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया था, विभिन्न संगठनों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया था, जिसको लेकर भाजपा कार्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है, सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है। ये भाजपा कार्यालय है मुजफ्फरपुर का, जहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम किया गया। आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय को टारगेट किया जा रहा था, जिसके बाद ये निर्देश जारी किया गया, सभी भाजपा कार्यालयों को सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, पुलिस फोर्स भी है, देख सकते हैं कितनी गाड़ियां हैं पुलिस की, और सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है ताकि कोई बड़ी घटना ना हो सके, इसके मद्देनजर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। और सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया, आप देख सकते हैं पुलिस हर तरफ पुलिस ही तैनात की गई है, और मजिस्ट्रेट से ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है, सर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है? आप लोग जैसा देख रहे हैं यहाँ पे हमारे CRPF के भी जवान हैं जो दो दिनों से यहाँ पे कैंप करके बैठे हुए हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट की भी पुलिस जो है यहाँ पे दो थानों से थाना अध्यक्ष वगैरह हैं, महिला थाना की थाना अध्यक्ष हैं और दूसरे थाने के भी थाना अध्यक्ष, और हमारे पुलिस बल भी एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे हैं, और हम लोग यहाँ सुबह से लेके बिल्कुल यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। कोई भी बड़ी छोटी किसी भी प्रकार की घटना को यहाँ पे कोई भी नहीं करने देने का यहाँ पे निश्चय है, प्रयास करता है तो हाँ बिल्कुल सख्ती की जाएगी। हालांकि अब तक ऐसा कुछ प्रयास हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होने की उम्मीद है। अच्छा, कितने दिनों के लिए सुरक्षा है? कितने दिनों के लिए? अभी तो हम लोगों को जो निर्देश है वो टिल फर्दर ऑर्डर, हम लोगों को यहीं पे रहना है जी अगले आदेश तक। हम लोग बिल्कुल क्यों बख्शा जाएगा, देख सकते हैं CRPF के जवान यहां पर तैनात कर दिए गए हैं, सुरक्षा बल का प्रतिनियुक्ति की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि कोई घटना ना कर सके, इसको लेकर सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो मुजफ्फरपुर में भाजपा कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई घटना ना हो सके, क्योंकि कई जिलों में भाजपा कार्यालय में लगातार घटनाएं हो रही थी, इसके मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि बेतिया में प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के संजय जायसवाल, उनके आवास पर भी हमला किया गया था, और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जो बीजेपी से ही हैं उनके आवास पर भी हमला किया गया था बेतिया में, जिसके बाद अब बीजेपी कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो मुजफ्फरपुर की तस्वीर है जहां पर अग्निपथ स्कीम को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके मद्देनजर भाजपा कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।